हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं रेडमी 9 पावर के बारे में। इसके अंदर हमारे जैसे रेडमी 9 पावर में वाईफाई वर्क नहीं करता है, ब्लूटूथ वर्क नहीं करता है, जीपीएस वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए ये वीडियो है। और प्लस आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है उसके लिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन पे। ये देख लीजिए, इस तरीके का कुछ सेक्शन है वाईफाई ब्लूटूथ का और जीपीएस का। देख लीजिए, इस तरीके का कुछ कनेक्शन है। यदि आपका इन फ्यूचर कभी वाईफाई जीपीएस काम नहीं करता है तो आपको ये सेक्शन चेक कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। और कुछ कनेक्शन का WTR में भी जा रहा है वाईफाई ब्लूटूथ जीपीएस का। तो चलिए, बस यही था आज का वाईफाई ब्लूटूथ और जीपीएस का सेक्शन। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मोबाइल नेटवर्क सेक्शन। तो ये हमारा मोबाइल का मेन नेटवर्क सेक्शन है। देख लीजिए, कुछ इस तरीके के कनेक्शन गए हुए हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारी PFO है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। ये हमारी PFO है, उस तरीके से कुछ कनेक्शन गए। ये हमारा एंटीना पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें ये एंटीना पॉइंट वाली लाइन चेक कर लेनी है, या तो यहाँ से डायरेक्ट जंपा मार के आपको चेक कर लेना है नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो और ज़्यादातर इसमें तो 4G बैंड उड़ती है ये वाली IC, गाइस ये वाली 4G बैंड उड़ती है ज़्यादातर IC। WTR इसकी बहुत कम उड़ती है। तो बस यही है, VCC वोल्टेज वगैरह आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो बस यही था आज का टॉपिक। तो देख लीजिए, इस तरीके से कुछ कनेक्शन है। और ये वाली इधर नेटवर्क IC में भी गए हुए हैं, ये वाली जो नेटवर्क को पावर बूस्ट वोल्टेज देती है 1.8 वगैरह वोल्टेज। तो बस यही था आज का टॉपिक। तो अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।